शेर के सर पे चढ़ गया टाइगर, देख के रेंचर हो गया पंचर। पर मूषक को देखो ना टेंशन ना फिकर, क्योंकि उसका दोस्त है थोड़ा गुनगुन बेफिकर। चेरू करता दमा चौकड़ी में नई ड्रामे बुन, और बैकग्राउंड में बसती है चेजिंग की ये धुन। मूषक मूषक गुन 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 मूषक गुन गुन, मूषक मूषक गुन 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 मूषक गुन गुन। करते हैं मनमानी थोड़ी थोड़ी शैतानी, सीना जोरी भागा दौड़ी होती है तूफानी। अरे आजू बाजू आगे पीछे बच के तू रहना पड़ जाए ना पंजा। हर सुबह शाम को लेता है शेरू इनसे जो पंगा, मूषक गुन गुन मिलके लेते बदले चुन चुन चुन। और बैकग्राउंड में बसती है चेजिंग की ये धुन। मूषक मूषक गुन 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 मूषक गुन गुन, मूषक मूषक गुन 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 मूषक गुन गुन। लगता है ये शेर हम दोनों का शिकार करके ही दम लेगा। ए टाइगर भाई, मुझे इस शेर से बचा लो ना, प्लीज प्लीज। तू येड़ा हो गया क्या है? मैं तेरे को बचाऊं या खुद को बचाऊं? मैं तेरी शरण में आया हूँ, तेरा फर्ज बनता है मेरी हिफाजत करने का। अरे तेल लेने गया ऐसा फर्ज, और भाड़ में गई मेरी शरण। मुझे लगता है हम दोनों का ही बचना मुश्किल है इस शेर से। बाहर ही हमारा वेट कर रहा है, अब क्या होगा? मुझे तो मरने से बहुत डर लगता है। तो मैं कौन सा नहीं डरता हूँ, कुछ करो रे बाबा। ओ, ये शेर तो हमारे आसपास ही गुर्रा रहा है, अब क्या होगा? जब तक ये शेर किसी का शिकार नहीं कर लेगा, चुप नहीं बैठेगा। हमें शेरू भाई की टेंशन हो रही है। बैंचो, सिर्फ शेरू भाई की ही नहीं, हमें टाइगर भाई की भी टेंशन हो रही है। ओ, ये शेर तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा। कुछ भी करके हमें शेरू भाई और टाइगर जी को उस शेर से बचाना ही होगा। मगर कैसे गुनगुन, वो शेर किसी का सगे वाला नहीं है, जिसे भी देखेगा उसे खा जाएगा। कुछ भी हो जाए, हम शेरू भाई और टाइगर जी को कुछ नहीं होने देंगे। लेकिन यहाँ छुपकर बैठने से तो कुछ नहीं होगा ना। एक काम करते हैं, हम सब मिलकर बाहर निकलते हैं, जो होगा देखा जाएगा। करेक्ट, बिल्कुल सही बात है। छुपकर हम उन दोनों को नहीं बचा सकते, हम सब कुछ ना कुछ हथियार लेकर बाहर निकलते हैं। अगर शेर सामने आ गया तो मिलकर उसका मुकाबला करेंगे, समझे? पर ये शेर आखिर कहाँ छुपा है? आवाज तो अभी भी आ रही है। कहीं भी छुपा हो, आज वो हमारे हाथों से बचने वाला नहीं है। चुन चुन के मारूंगा, चुन चुन के मारूंगा। अरे वो एक ही शेर है, और एक को चुन चुन कर नहीं मारा जाता। इतने जोर से बात मत करो, शेर सुन लेगा तो चौकन्ना हो जाएगा। हाँ, शेर की दहाड़ तो बंद हो गई, हिचकिया। लगता है शेर को शिकार मिल गया है और वो उसे खा रहा है। हाँ, कहीं उसने टाइगर जी या शेरू भाई में से किसी को अपना शिकार तो नहीं बना लिया? ऐसी बात मत करो यार, हमारे शेरू भाई और टाइगर जी को कुछ नहीं होगा। सुनो सुनो सुनो, जो शेर डेंजरस सर्कस से भाग गया था, उस खूंखार शेर को सर्कस की टीम ने पकड़ लिया है। अब किसी को शेर से डरने की जरूरत नहीं है। सुनो सुनो सुनो। कोई मुझे बताएगा कि हम लोग यहाँ क्यों जमा हुए हैं भाऊ? बिना काम के हर कोई।
नाकाम हो जाता है रे बाबा, इसी चक्कर में वो बदनाम हो जाता है रे बाबा। अच्छा है, अच्छा है, मगर तेरी घटिया शायरी का मीनिंग समझ में नहीं आया। समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझ है रे बाबा। समझ समझ के समझना समझे, मेरी समझ में वो ना समझ है रे बाबा। अरे मामू, पहले तू खुद तो वो समझ ले जो तू अपुन को समझा रे ले। तो अब मैं शेर और शायरी नहीं करता हूँ, सीधा सीधा बोलता हूँ। मैंने सुना है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है रे बाबा। तो तुमने अपने दिमाग की कंडीशन के बारे में बताने के लिए हम सबको यहाँ जमा किया है। अच्छा है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ रे बाबा, मैं तो सबके दिमाग की बात कर रहा हूँ। टाइगर भाऊ, हम सबका दिमाग खाली है ये बात तुमको कैसे पता चली? अरे मेरे को कैसा पता चलेगा कि तुम सबका दिमाग खाली है कि भरा है, हैं? टाइगर भाई, अभी तो तुमने कहा कि तुम अपनी बात नहीं कर रहे हो, तुम तो सबके दिमाग की बात कर रहे हो। अरे देवा, मैं तो मिसाल दे रहा था रे बाबा। देख टाइगर, तू कहना क्या चाह रहा है ये तू खुद भी समझ नहीं पा रहा है। लगता है तू बोलना कुछ चाह रहा है और बोल कुछ और रहा है। अच्छा है, अच्छा ठीक है, तो मैं अभी सबको सीधा सीधा समझाता है रे बाबा। ऐसा है, जिसकी जेब में पैसा है सब उसी से पूछते हैं कैसा है। टाइगर भाई, तुम सीधा सीधा समझाने की बात कर रहे थे, तो फिर ऐसा है वैसा है ये सब कैसा है? मेरा मतलब है ये सब क्या है? अरे यहाँ तो कोई समझने कोई तैयार नहीं है कि मैं कहना क्या चाहता है रे बाबा। ये मामू, अपुन इधर बैठा कब से तेरी फालतू की बात सुन रहे हैं। अभी अपुन एक बात बोलता है मामू, तेरे को कुछ काम धाम नहीं है इसीलिए टाइम पास कर रहे है तू। देवा, तू तो मेरी बात को बराबर समझ गया रे बाबा। क्या अपुन तेरी बात को समझ गए ले और अपुन को पता नहीं? मामू, अपुन को समझा कि अपुन तेरी कौन सी बात समझ गए ले। अरे अब भी तो तूने बोला ना है कि मुझे कोई काम धाम नहीं है, है? हाँ, अपुन 100% सच्ची बात बोलता है, बोले तो 100% तेरे को कोई काम धाम नहीं है रे मामू। अरे बाबा, यही बात तो मैं तुम सबको कह रहा हूँ कि हम लोगों के पास कोई काम धाम नहीं है रे बाबा। अच्छा, तो फिर हमें क्या करना चाहिए टाइगर भाऊ? अरे देवा, हम सबको मिलकर कोई नौकरी करनी चाहिए रे बाबा। अच्छा है, अच्छा है, पर तू नहीं जानता टाइगर कि जॉब करने के लिए एजुकेटेड होना बहुत जरूरी है। अरे देवा, तेरे को नहीं पता रे, एजुकेटेड नहीं टैलेंटेड होना बहुत जरूरी है रे बाबा। क्या बात कर रहे है मामू, टैलेंट तो अपुन के अंदर, वो कहते हैं ना, कूट कूट के भरे ले। ना भाई, नौकरी करने के लिए कूटा हुआ टैलेंट नहीं, जुड़ा हुआ टैलेंट होना चाहिए। अपुन के कहने का यही मतलब था मामू। मगर टाइगर भाऊ, नौकरी से पहले तो इंटरव्यू देना पड़ता है ना, उसका क्या? और इंटरव्यू से पहले ये पता करना पड़ता है कि कौन सी कंपनी में नौकरी के लिए जगह खाली है। देवा, मैंने पूरा इंतजाम किया है रे बाबा, तुम सब मेरे साथ चलो, हैं? मैंने बहुत सारी कंपनी का एड्रेस और फोन नंबर जमा करके रखा है। ये देखो रे बाबा, इस न्यूज़पेपर में बहुत सारी कंपनी के एड छपे हैं, जहाँ पर हम सब जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, समझे? अच्छा है, अच्छा है। टाइगर, ये तो बता कौन सी जॉब के लिए एड छपी है? तू कौन सी जॉब करना चाहता है रे बाबा? मुझे बॉस की जॉब चाहिए। शेरू भाऊ, बॉस की जॉब नहीं होती, बल्कि बॉस तो जॉब देता है। करेक्ट, मूषक ने बिल्कुल सही कहा है टाइगर भाई। बताओ तो सही, पेपर में कौन कौन सी जॉब के बारे में लिखा है?
बताता हूँ रदेवा, ये कंपनी में एमडी की जरूरत है, एक में मैनेजर की जरूरत है, एक में वॉचमैन की, एक में पीयून की, एक में सीए की, इस तरह बहुत सारी जॉब है रे बाबा। टाइगर भाई, मुझे तो सीए बनना है, इस वार्ड में दम नजर आता है। तू सीए बनना चाहता है ये तो अच्छी बात है, मगर तुझे सीए का मतलब भी पता है? मतलब जो भी हो, जब मुझे सीए की जॉब मिल जाएगी तो उसका मतलब भी पता चल जाएगा। तू रहने दे बाबा, रहने दे, तेरे को तो वॉचमैन की जॉब ही ठीक रहेगी। टाइगर भाई, मैं मैनेजर की जॉब करना चाहता हूँ। और मामू, अपुन तो सीधा एमडी बनेगा, मैनेजिंग डायरेक्टर। ये जॉब तो मैं करूँगा भाऊ। आहा, मुझे तो कोई भी जॉब चलेगी, मैं तो बस काम में बिजी होना चाहता हूँ। अच्छा है, अब मैं बोलता हूँ, सब लोग ध्यान से सुनो। जिसको जो भी जॉब करनी है वो उसी जॉब के लिए इंटरव्यू देने की तैयारी करेगा, क्योंकि बिना इंटरव्यू के किसी को भी कोई जॉब मिलने वाली नहीं है। शाबाश, शेरू एकदम सही बोल रहा है। चलो हम सब मिलकर इंटरव्यू देने की तैयारी करते हैं। मगर मामू, अपुन ने कभी भी किधर भी इंटरव्यू दिया नहीं है, उसका क्या? शेरू के सर पे चढ़ गया टाइगर, देख के रेंचर हो गया पंचर, पर मूषक को देखो ना टेंशन ना फिकर, क्योंकि उसका दोस्त है थोड़ा गुनगुन में फिकर। शेरू करता दमा चौकड़ी में नए ड्रामे बुन, और बैकग्राउंड में बसती है चेजिंग की ये धुन। मूषक मूषक गुन 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 मूषक गुन गुन, मूषक मूषक गुन 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 मूषक गुन गुन। करते हैं मनमानी, थोड़ी थोड़ी शैतानी, सीना जोरी भागा दौड़ी होती है तूफानी। अरे आजू बाजू आगे पीछे बच के तू रहना पड़ जाए ना पंजा, हर सुबह शाम को लेता है शेरू मुशक गुन 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 मुशक गुन गुन मुशक मुशक गुन 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 मुशक गुन गुन।